हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ चुका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आइए पहले जान लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। आप लोग घर में आपका एलपीजी गैस आता होगा सिलेंडर में, वो होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। आखिर ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर ही नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारा ऊपर और नीचे का बेस है ये हमारा सर्कल होता है और ये जो हाइट और रेडियस के बीच जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री को वन राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। राइट एंगल किसके थ्रू? यहाँ ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा, इसीलिए राइट सर्कुलर। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो ये बेस होगा, ऊपर नीचे का दोनों, ये एक सर्कल होगा और सिलेंडर वही इस हाइट में होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा? ऊपर नीचे दो सर्कल होगा, ठीक है, एक हाइट होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा, दोनों रेडियस सेम होगा और ये h, h फॉर हाइट। अब इसी r और h से हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आइए देखते हैं तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, ये है हमारा तीनों फॉर्मूला, वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा जिसका जो रेडियस r और हाइट h दिया हुआ है, तो हम लोग का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और इसका यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट। ओके, क्योंकि पता है वॉल्यूम हमारा 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए क्यूबिक यूनिट होता है, वेयर r इज रेडियस, h इज हाइट। ओके, ये है हमारा वॉल्यूम का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। देयर पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। पाई का फॉर्मूला, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 या 3.14, ठीक है, ये होता है हमारा पाई का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जिसका दूसरा नाम है कर्व सरफेस एरिया। एक सिलेंडर का जो ये साइड से जो हमारा पोर्शन दिख रहा है ऊपर नीचे छोड़ करके, वो सब हम लोग को कर्व दिख रहा है। कर्व मींस गोल का, गोल के तरह होता है, ठीक है, मींस प्लेन नहीं होता है, कर्व होता है, इसीलिए उसका नाम है लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh, ठीक है, 2π रेडियस और हाइट, 2πRh जो होता है वो होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इसका यूनिट होगा स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा पावर 2 में ही होता है। ओके, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में पहला तो आता है कर्व सरफेस एरिया जो 2πRh साइड वाला, बाकी बच गया ऊपर नीचे का दो सर्कल का एरिया। एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, दूसरा सर्कल पाई स्क्वायर, यानी 2πR², यानी कि लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2πR². लैटरल सरफेस एरिया हमारा होता है 2πRh और सर्कल का एरिया हो गया हमारा दोनों सर्कल का 2πR². अब हम 2πR कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचता है h प्लस r, और इसका भी जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का तीन फॉर्मूला, वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, टोटल सरफेस एरिया, इसका एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर, यही वो फिगर है, ठीक है।
इसका सबसे पहले हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू दो होता है, फ्रैक्शन में 22/7, डेसिमल 3.1। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि रेडियस और हाइट कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा जो हमेशा या तो 22/7 होगा या 3.14 होगा। वॉल्यूम ये सब निकालने से पहले ये देख लीजिएगा कि दोनों यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर। अगर दोनों डिफरेंट यूनिट रहा तो इस वॉल्यूम को लिखने से पहले ही आप पहले यूनिट सारा सेम कर देंगे, इससे होगा ये कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच देख रहे हैं 14 है, तो 14 है इसका मतलब 22/7 अगर लिखते हैं तो 7 × 14 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, 22/7 क्यों लिखे, क्योंकि देखें यहाँ जो हमारा हाइट दिया हुआ है वो 14 से कैंसिल आउट है। जनरली आपका क्वेश्चन इसी तरह का होता है कि वो इजीली सॉल्व हो जाए, बस अब आपको वॉल्यूम चेक करना पड़ता है दोनों में से कोई एक होगा जो 7 से कैंसिल आउट होने वाला होगा, नहीं होगा तो अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो आप 3.14 लिख दीजिएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको आइडिया खुद को खुद हो जाएगा कहाँ हम क्या वैल्यू पुट करेंगे। हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला 7 × 1 = 7 × 14 कैंसिल आउट 22 × 2 = 44 10^2 = 400 क्यूब। ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि हमारा वॉल्यूम निकल रहा है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, इसलिए ये सब चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम का हमेशा जो होगा पावर यूनिट का वो हमेशा 3 ही होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं लैटरल सरफेस एरिया की ओर। ये है हमारा लैटरल सरफेस एरिया 2πRh, 2 × 22/7 × 10 हमारा रेडियस और हाइट है 7 × 7 = 7 × 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ 2 × 22 = 44, 44 × 2 = 88 × 10 = 880 square centimeter। ठीक है, इस तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हम लोग लास्ट निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला था 2πr × h + r। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है PSASLSA। इसका इस्तेमाल आप लोग कभी कीजिएगा जब आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको अलाउड करेंगे इस तरह का शॉर्ट नेम लिखने में। ठीक है, क्योंकि किसी किसी स्कूल में, जनरली सारे स्कूल में इस तरह का अलाउ नहीं होता है पर शर्त है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में या स्कूल के एग्जाम में तो इस तरह का इस्तेमाल आप ना करें। ठीक है, ये बस आपको सिखाने के लिए है, टाइम बचाने के लिए आप अपने स्कूल के क्लास में कॉपी में यूज कर सकते हैं, बस अगर इसका परमिशन आपके टीचर दें तो। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना ही लिखिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। ओके, यहाँ मैं समझाने के लिए टाइम बचाने के लिए आपका इस तरह से लिख रहा हूँ। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r। ये देखिए, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ इस तरह का कि आ गया हमारा पावर 40/7 × 24 सेम स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको रफ करने का भी तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ, यहाँ 44 है यहाँ 24 है, तो सिंपली आप 24 ऊपर लिखे 44 नीचे लिखिएगा। ठीक है, 24 × 4 = 96, 24 × 4 = 96, और चूंकि यहाँ एक जीरो ऑड था इसलिए आप यहाँ एक जीरो डायरेक्ट लगा दें और इसी में 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो रफ करने का टाइम है वो बचेगा,
क्योंकि कभी कभी स्कूल के एग्जामिनेशन कॉपी में या बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी में आपको ये कंपलसरी हो जाता है कि रफ आप दिखाना कि आपने ये कैलकुलेशन किया तो किया कैसे, ठीक है। तो रफ सेक्शन में आप इस तरह से कीजिए कि आपका टाइम बचे। यहाँ 440 था, मैंने 440 से मल्टीप्लाई नहीं किया, जीरो को इग्नोर करके मैंने लास्ट फाइनल आंसर में जीरो लिखा, इससे मेरा टाइम बच गया। 44 नीचे लिख देने से क्या हुआ कि डायरेक्ट 96 लिखा, ऐड किया और फिर इसी में 7 से डिवाइड कर दिया, इससे हुआ ये कि हमको दो तीन बार लिखने से बच गए और फिर फाइनल आंसर हमारा जो आ गया वो आ गया 1508.5। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। वो सब अगर और दो तीन डिजिट लिखना होगा तो आप और फर्दर कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। वॉल्यूम निकाल लिए, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए और उस तरह के कैलकुलेशन में रफ किस तरह से करना है वो भी हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। ताकि कम से कम स्पेस में कम से कम टाइम में हमारा कैलकुलेशन हो जाए और हम आराम से इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। अब जो हमारा है थ्योरेटिकल पोर्शन मेंसुरेशन, ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेंसुरेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको बनाइए, जो नहीं बनता है जिसको समझने में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके उस पेज का और आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम आपको उसका बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल लर्निंग हॉल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं।